नाग मृत्युर प्रतिशोध नेउछि नागुणी सात मासरे सात थर चोट देलानी भाग्य भल ये मरण मुहरु फेरुछन्ति नाग मृत्युर प्रतिशोध नेउछि नागुणी एक आपणको आश्चर्य लागुथिबो भाबुथिबे आमे कोनोसी फिल्मर कथा कहुछु किंतु सेमिति भाबिबार भूल करिबा आगुरु थरे व्यक्तिंक कथा सुनतु दो सांप मेरे धरे हमलावार हुए मैंने एक उनमें से मार दिया गड्ढा खोद के दाब दिया पता नहीं वो नाग मरा या नागिन मरी जब से जो है वो मैं खेतों में मजदूरी करता हूँ चार बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ जब से मतलब मेरे ऊपर हमला हो जाता है सर वो तो गाँव वाले समय से पहुँच जाते हैं मेरा इलाज हो जाता मेरी जान बची हुई है ना तो मैं अब लो सर मैं मर गया होता थरे कि दुई थर नुहे सात थर ए व्यक्ति जन को साप कामुड़ला भाग्य भल ये बंची जाऊँच हेले गोटे निर्दिष्ट साप तांकु कौन पाई कामुड़ी से कथा शुणिले आपण ताजुब होइजिबे सर वो मेरे ऊपर को आ रहे थे मैं खेत में काम कर रहा था सर मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं मेला चढ़ा रहा था धानों की मैंने उसमें एक को मार दिया सर हाँ कितने दिन पुरानी बात है अब से सात महीने पहली बात है ये अच्छा फिर क्या हुआ सात महीने से लगातार मान लो दूसरे महीने एक महीने में लगातार काटने पर लगा हुआ है सांप मुझे अच्छा अभी परसों काटा है आज 13 तारीख की बात है ये अच्छा हाँ तो कितनी बार काट चुका है सर सात दफा काट चुका मुझे काटने का तरीका क्या है कैसे आता है तुम्हारा मतलब ऐसे जैसे मैं खेत में फावड़ा चला रही हूँ मजदूरी कर रहा हूँ आया पीछे चुपके से तुरंत मेरे हाथ मार दिया मुंह मार दिया मेरे अच्छा हाँ परसों तुम्हें एहसास नहीं हो पाता है कि वो आ गया साहब ना एहसास नहीं होता जब काट लेता जब पता चलता है अच्छा कितने खेतों पर एक ही खेत पर काम कर रहा हो या अलग अलग खेत ना अलग अलग खेत पर खेत हैं अलग अलग जहाँ जाता हूँ वहीं पहुँच जाता है वो अच्छा हाँ तो क्या 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 सोच रहा हो इसके बारे में आप सोच कर रहे हैं सर आप जो है मैं गरीब आदमी हूँ सर सरकार मुझे मुआवजा दे दे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं चार बच्चे हैं छोटे छोटे सर कभी भी हादसा हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अब क्या चाहते हो तुम सांप से कैसे बचोगे तुम अब बचना है अब घर में बैठेंगे अपने फिर क्या करा जाए जान तो बचाई जाएगी क्या जोड़ा था वो जो मारा हाँ हाँ जोड़ा था वो कैसे रंग का था बिल्कुल काले थे पूरी बात बताओ कैसे बिल्कुल काले थे बहुत बड़े सांप थे पुराने हाँ बिल्कुल असली और मुझे सातों दफा असली सांप नहीं काटा है पांच पांच छह छह खुराकें पी है बेनजी जाकर सरदार जी के वहाँ अच्छा। जब हो सकता है मुझे तो अब तो दवाई घर पे रखी हुई आपको सांप काटने ना घर पे नहीं है घर पे नहीं मिलती है वो दवाई तो अब तुम्हें डर लगता है खेत पे हाँ हाँ बहुत दहशत है बोला पूरी मेरी बीवी मेरे बच्चे मुझसे मना कर रहे हैं बोले मत जाओ लेकिन अब मैं गरीब हूँ क्या करूँ सर बात बताओ प्रायतः चलचित्र देखी थे जे जदि जड़े व्यक्ति साप को मारी दिए तेबे साप से व्यक्ति प्रतिशोध न नेबा पर्यंत शांति रे रुहे नाही ठीक एहिपरि घटना घटी संप्रक्त व्यक्ति उत्तर प्रदेश रामपुर जिलार स्वारो गाँवर एहसान अली सात मास पूर्वर से निज क्षेत्र में काम करुथिले ए समय दुईट साप खेलुवा देखिले काले साप कामुड़ी देव ये डर से हाथ में धरिता बाड़ी आक्रमण कले ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ସାପର ପ୍ରାଣ ଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଦରମରା ହୋଇ ଲୁଚିଗଲା ଆଉ ଏ ଘଟଣାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ସର୍ପାଘାତର ଶିକାର ହେଲେ ଏହସାନ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଜନ୍ତୁଟି ସେହି ଦରମରା ସାପ ବୋଲି ସେ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ଥର ଥର କରି ସାତ ଥର ସେହି ଏକା ସାପ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୟ ଛାଡ଼ୁନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେ ସାପ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନ ମାରିବ ଏହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗାଁ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ସତରେ କ'ଣ ନାଗୁଣୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ନା ଏହା ଏହସାନଙ୍କର କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍